and the allowances of Ministers Amendment Bill 2020. This is the next bill we are taking. C.G. Kishan Reddy to move a motion for consideration of the salaries and allowances of the Ministers Amendment Bill 2020. माननीय उपसभापति महोदय, आपका अनुमति से मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मोशन मूव्ड। चाहते हो? या मान्यवर, काइंडली ब्रीफली बोले। या मान्यवर, विश्व के सभी देशों की तरह भारत में भी कोरोना वायरस का कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ा और कर रही है, जिसके कारण देश के लोगों के व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए इमीडिएट और क्विक राहत पहुंचाने और आपात सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह ऑल एंगल्स पर प्रयास की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी से शीघ्र राहत और सहायता महत्वों को दर्शाया है और इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ जरूरी उपाय करना आवश्यक हो गया थे। ऐसी स्थिति नियंत्रण के उद्देश्य से अन्य कई उपायों के साथ साथ सांसदों का, मंत्रियों का वेतन भत्तों में कटौती पर विचार किया गया है। दिनांक 6/4/2020 अपने बैठक में मंत्रिमंडल ने संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 का संशोधन में संबंधित संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर अनुमति देते हुए यह भी निर्णय किया कि मंत्रियों का दिए गए वेतन और भत्ता में 30% कमी कर दी जाए। संसद सत्र नहीं चल रहा था पर कानून बनाना अत्यंत आवश्यक था, इसके लिए 9/4/2020 को संविधान के अनुच्छेद 123 खंड 1 के अंतर्गत एक अध्यादेश मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित ऑर्डिनेंस 2020 के प्रमल्गेशन द्वारा तत्काल करवाई गई है। इस अध्यादेश के तहत मंत्रियों के मिलने वाले वेतन और भत्ता में 1/4/2020 से एक साल एक वर्ष तक अवधि के लिए March 2021 तक 30% भत्ता की और सैलरी की कटौती की आई है। उपर्युक्त ऑर्डिनेंस एक्ट में बनाने के लिए संसद में यह बिल मंत्रियों के लिए वेतन और भत्ता अमेंडमेंट विधेयक 2020 को लाया गया है। इसके लिए मैं आपके द्वारा सभी संसद माननीय संसदों को विनम्रपूर्वक आग्रह करता हूं कि ये इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद। मोशन मूव। माननीय राजीव सातव जी। उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बात करने का आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद। सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मंत्री और सांसदों के वेतन कटौती का ये जो बिल लाया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उपसभापति महोदय, देश हित में और आम जनता के हित में जो भी राजीव जी, आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू सर, देयर इज अ रूल 266 सर, रेजिड्यूरी पावर टू द चेयर सर। सर अभी तक सदन में दो बिल अगर सेम मिनिस्ट्री के होते हैं तो हम लोग साथ लेते हैं। यहाँ पर सर दो ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट मैटर सेम है, एक मंत्रियों की तनख्वाहों के संबंध में है, दूसरा सांसदों की संस्थाओं की तनख्वाह के संबंध में है। बोलने वाले मेंबर्स का विषय हो सकता है लेकिन एक साथ भी विषय रखा जा सकता है।
सर आपके पास रूल 266 में पावर है कि जहां पर आप नियमों को शिथिल करके अनुमति दे सकते हैं। अगर सदन ये चाहे तो दोनों बिलों पे हम एक साथ चर्चा करें, एक साथ विषय रखें और हम कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं सर। सदन सर सदन की सहमति है दोनों की, एक साथ चर्चा कर सकते हैं। ये सर बिल्कुल कि मंत्रालय दोनों के अलग अलग हैं, एक का पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, एक का होम है, पर माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो हम सब इसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये अच्छा सुझाव है क्योंकि वो मंत्री का जो बिल हम लोग ऑर्डिनेंस वो डिस्कस कर रहे हैं वो 1,000 रुपया की बात है। Only 1,000 rupees. We are making such a big deal about it. From 3,000 or something, it is coming down to 2,000. Of course, we can discuss the two bills together because the salary bill also is only coming to 64 crores. Yes. We should discuss this actually in half an hour. We can save a lot of time in this, sir. नहीं, माने 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 सदस्यगण, अगर सदन सहमत है, आप सबकी सहमति है तो दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं। माननीय राजीव सातव जी, इस बिल को भी इस